कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट का खतरा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट लैम्डा वेरिएंट यूके में सामने आया है। यूके के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लैम्डा नामक एक नया कोरोना वायरस स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक है। पिछले 4 हफ्तों में 30 से अधिक देशों में इसका पता चला है। पेरू में मिला कोरोना वायरस का लैम्डा वेरिएंट दुनिया के अलग अलग देशों में तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्रिटेन समेत कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूके में अब तक लैम्डा स्ट्रेन के 6 मामलों का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लैम्डा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। बता दें कि लैम्डा वेरिएंट का पहला मामला पेरू में दर्ज किया गया था। इस वेरिएंट को C.37 स्ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पेरू में मई और जून के दौरान रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस केस के नमूनों में लैम्डा वेरिएंट का लगभग 82% हिस्सा है। पेरू में लैम्डा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।